तो जिथे एक पासे राहुल गांधी अते प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विच कांग्रेस दी सरकार बनण दा दावा पेश कर रहे हन अते बयान दे रहे हन कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश विच बैकफुट ते नहीं बल्कि फ्रंटफुट ते लड़ेगी, उथे दूजे पासे पछमी उत्तर प्रदेश दी कमान सांभरे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिता। उन्हां दा कहना है कि पार्टी उत्तर प्रदेश विच अपनी सरकार बना पावेगी या नहीं यह हले नहीं कहा जा सकता, पर जी तोड़ मेहनत के नाल विरोधियों को चुनौती देने वास्ते कांग्रेस पार्टी तैयार है। बहुत अच्छी हमारी मुलाकात हुई है, सबसे हमने चर्चा की है, जो एक जिले जिले और एक लोकसभा स्तर पर जो अहम मुद्दे हैं उन पर केवल उन्होंने प्रकाश नहीं डाला लेकिन आगे का रास्ता भी हम लोग साथ में मिलकर तय कर रहे हैं। और जब एक समझ होगी, एक क्षेत्र की मुद्दों के ऊपर एक रणनीति बनेगी, उसी के तहत आगे का रास्ता हम लोग तय करने वाले हैं। दो मुद्दे हैं हमारे सामने, स्थानीय विषय और संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया। उन दोनों पर विश्लेषण आज करीब 12-13 घंटे के हुए हैं, कल करीब 16 घंटे के होंगे और इसी के आधार पर आगे का रास्ता हम लोग तय करेंगे। सर, जो सेंस ऑफ फीलिंग आपको आ रही है वर्कर्स से मिलके, एंथुसियाज्म जो दिखाई दे रहा है, उससे आप क्या पोटेंशियल यूपी में आप देख पा रहे हैं? देखिए, मेरी सोच विचारधारा है, अभी भी 2-3 दिन ही हुए हैं जब हम लोग जमीनी स्तर पर उतरे हैं, तो कुछ कहना अभी थोड़ी अतिशयोक्ति होगी और जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश तैयार है परिवर्तन के लिए, उत्तर प्रदेश तैयार है एक नई सोच के लिए, एक नई नेतृत्व के लिए, और उत्तर प्रदेश की जनता जिसके आधार पर भारत का भविष्य का निर्माण किया जाता है, एक आकांक्षा और एक आशा के साथ राहुल जी के प्रति और प्रियंका जी के प्रति देख रही है।